वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पीवी सब इंजीनियर के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉप 25 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका आंसर यकृत। मादा मनुष्य में मादा जन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? इसका आंसर है रिलैक्सिन। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर सेरिब्रम के द्वारा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर उत्पाद के द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम ब्लार में पाया जाता है? इसका आंसर टाइलिन। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका आंसर ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका आंसर विसरण। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका आंसर विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका आंसर सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरा मीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेन्द्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन है एंजाइम। जीव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इसका आंसर है पोषण। नेक्स्ट है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर मृत जीवी। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। नेक्स्ट है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसका आंसर फेफड़ा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका आंसर निमोनिया। उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इसका आंसर यूरिया।